नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के बारे में, जिसमें आयोग ने यह साफ कर दिया है कि एससी एसटी और ओबीसी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से जो है एक तरह से हम कह लें कि पंचायत चुनाव को लेकर जो सबसे तेज अपडेट जो है वह आने शुरू हो गए हैं। इसमें कई तरह के जो नए नए नियम हैं जो जोड़े जा रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उसको लेकर जो है आयोग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की स्थिति को जो है स्पष्ट कर दिया है। कुल 6 पदों पर होने वाले चुनाव को लेकर अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सीटों की स्थिति का जो है उन्होंने जायजा ले लिया है और पूरी तरह से जो है उन्होंने अपडेट जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों में मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। इस बार ईवीएम के अलावे बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा 4 पदों पर, जिसमें कि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद का चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा, तो वहीं बाकी के पदों का जो चुनाव है वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से होगा। इन सभी पदों के लिए जो है अलग अलग चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया गया है, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार बिहार में बाढ़ होने के कारण बाढ़ प्रभावित जिलों में आखिरी चरण में मतदान होगा, जबकि जहां बाढ़ के हालात नहीं हैं वहां जो है पहले चरण में मतदान कराए जाएंगे। ऐसे में 28 ऐसे जिले हैं जहां पहले चरण में मतदान नहीं होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान कराया जाएगा। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं पंचायत चुनाव में आरक्षण की क्या स्थिति, किनको कितना पद जो है मिला है। अगर मुखिया पद के लिए बात करें तो कुल पदों की संख्या जो है 8072 है, जिसमें से महिला पद की अगर हम बात कर लें तो 3585 पद जो है महिलाओं को मिला है। वहीं अगर हम बात कर लें अनारक्षित सीटों में, तो इसमें जो है 5268 पद जो है वो अनारक्षित सीटों के तहत आता है, जिसमें से 2483 ऐसे पद हैं जो कि महिला प्रत्याशियों के खाते में गए हैं। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति को लेकर, तो इसमें 1338 सीट है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, जिस महिलाओं के पास जो है 539 पद जो है उनके पास होंगे। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति को लेकर, तो इसमें 91 सीटें आती है और उसमें से 20 सीटें जो है वो महिलाओं के खाते में गई हैं। अगर हम बात कर लें पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें 1357 सीटें जो है पिछड़ा वर्ग के तहत है, इसमें से महिलाओं के लिए 543 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत सदस्य की, तो इसमें जो है कुल संख्या जो है 1,13,307 है, जिसमें से महिला पद के लिए जो है 51,191 जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं अगर हम बात कर लें अनारक्षित सीटों के बारे में, तो इसमें जो है 74,495 सीटें हैं, जबकि महिलाओं को इसी में से महिलाओं को जो मिला है वह 35,447। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो इसमें 18,916 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए है, जिसमें से महिलाओं के खाते में गया 7,409। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो इसमें जो है 1215 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के खाते में है, इसमें से जो है महिलाओं के खाते में 360 सीटें गई है। अगर हम बात कर लें पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें 18,681 सीटें जो है पिछड़ा वर्ग के खाते में, जिसमें से महिलाओं के खाते में 8,028 है। अब हम बात करेंगे पंचायत समिति सदस्य को लेकर, इसकी जो पूरी संख्या है वो है 11,104, जिसमें से महिलाओं के खाते में गई है 51,045। अगर हम बात कर लें अनारक्षित की, तो इसमें 7,142 जो है अनारक्षित कोटे की सीटें हैं, जिसमें से महिलाओं के खाते में गई है 3455 सीटें। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के बारे में, तो इसमें जो है 1863 सीटें जो है अनुसूचित जाति के पास है, जिसमें से 799 सीट जो है महिलाओं का है वो अनुसूचित जाति में चला गया, जिसमें 799 है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात कर लें, तो इसमें 130 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के पास है, जिसमें से महिलाओं के खाते में 33 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें 1,969 जो सीटें हैं वो पिछड़ा वर्ग के खाते में गई है, जिसमें से 858 सीटें जो है वो महिलाओं के पास है। अब हम बात करेंगे जिला परिषद सदस्य की, तो इसकी कुल सीट जो है 1160 है, जिसमें से 547 पद जो है वो महिलाओं के खाते में है। अनारक्षित की अगर हम बात कर लेंगे, तो 737 सीटें जो है वो अनारक्षित खाते में है, जिसमें से 358 सीटें महिलाओं के पास है। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करेंगे, तो 193 सीटें जो है अनुसूचित जाति के पास है, जिसमें से महिलाओं के खाते में 87 सीटें गई है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें 13 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के पास है, जिसमें से 2 सीटें जो है महिलाओं के पास है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करेंगे, तो 218 सीटें जो है पिछड़ा वर्ग के पास है, जिसमें से 100 सीटें जो है
महिलाओं के खाते में गई है। अब हम बात करेंगे ग्राम कचहरी की, जिसमें आता है सरपंच का पद। तो सरपंच के पद में कुल संख्या जो है 8072 है, और इसके अगर हम महिलाओं की बात करें तो 3588 सीटें जो है महिलाओं के पास है। अगर हम अनारक्षित की बात करेंगे तो इसमें 5268 सीटें जो है अनारक्षित है, जिसमें से महिलाओं के खाते में गया है वो 2482 है। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 1342 सीटें हैं, इसमें से 542 सीटें जो है महिलाओं के खाते में गई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 91 सीटें आती हैं अनुसूचित जनजाति के खाते में, जिसमें से जो है 21 सीटें महिलाओं के खाते में गई है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो 1371 जो सीटें हैं वो पिछड़ा वर्ग के पास है, और इसमें से 543 सीटें जो है वो महिलाओं के पास है। अगर हम अब बात कर लेते हैं ग्राम कचहरी में ही पंच पद के लिए, तो पंच पद की जो कुल संख्या है वह 113,307 है, जिसमें से महिलाओं के खाते में गई है 51,160 है। अगर इसी में है, अगर हम बात कर लें अनारक्षित सीटों के बारे में, तो इसकी जो संख्या है वो है 74,511, जिसमें से महिलाओं के खाते में गई है 35,424। अगर हम बात कर लें अनुसूचित जाति के बारे में, तो 18,844 पद जो है अनुसूचित जाति के पास है, और इसमें से महिलाओं के खाते में जो गया है वो है 7,367। अगर हम बात कर लें अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो 1239 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के पास है, जिसमें से महिलाओं के खाते में गई है 314। अगर हम बात कर लें पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें 18,713 पद जो है पिछड़ा वर्ग के पास है, जिसमें से महिलाओं के खाते में गया है 805। तो ये थे अपडेट, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी की सीटों के बारे में, साथ ही साथ इसमें जो जिक्र किया गया है वो कितनी मूल सीटें हैं, यानी कि बिहार में कितने पंचायतों हैं और उसके साथ वार्ड कितने हैं, इन सब का जिक्र किया गया। और इसमें जो जनरल कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ उसमें जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण में सीटें दी गई है, इन सब के बारे में जो है जिक्र किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।